अब उन्न डूडेंटस अरमि वर्कू एज यू नो रीडिंग शॉर्ट स्टोरीज फ्रॉम आवर इंग्लिश टेक्स्ट वी विल रीड चैप्टर नंबर फाइव ए शॉर्ट स्टोरी

ऑफिस टेक्स्ट को अपनी खोलो और वहाँ पर एस टी समियनो की ज़िंदगी यानी उसकी लाइफ एंड उसकी जो कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश लिटरेचर के लिए वो हम पहले इसको पढ़ते हैं सिमियानो वाज बॉर्न इन 1868 in a peasant in a peasant family in russia he died in 1922 in his work sincerity is chief characteristic because it deals with the most important class of russia the peasantry which simiano knows as only a peasant who himself lives the whole life of a peasant can know. the form of the stories fully corresponds to the content. it is serious and simple, and the details are always correct. there are no false notes. what is particular, good in the, in the figurative, लैंग्वेज ऑफ द पर्सन इन द स्टोरीज़ व्हिच इज़ फ्रीकेंट क्वाइट न्यू एंड ऑलवेज़ ऑटलेस एंड एंड स्ट्रिकिंगली पावरफुल यानी समियानो का जन्म रेशिया के एक जमींदार घर में उन्नीस सौ उन्नीस सौ में हुआ था और 1922 में सिमियानो की का इंतकाल हो गया उसकी जो उसकी तसानीफ़ में से उसकी तसानीफ़ इखलास खुलूस और सच्चाई उसकी तसानीफ का की अहम ख़ूसियत है क्योंकि आ, क्योंकि उसका ताल्लुक़ एक रशिया की एक ऐसी क्लास की एक ऐसी तबकी के साथ था जो एक किसान तबका था तो जो सिमोन था वो जानता था यानि ओनली वो पी यानी वो ज़मींदारी यानि काश्तकारी के मतलब उसको सब कुछ मालूम था उसने एक सख्त ज़िंदगी गुज़ारी है एक किसान की जिस तरह से किसान की ज़िंदगी सख्त होती हैं वो ज़िंदगी वो उसने ऐसी ज़िंदगी उसने खुद गुज़ारी है और वो उसके बारे में जानता है तो उसके जो स्टोरीज़ हैं जो उसने लिखे हैं उनका जो मौजू है वो हकीकत कर हकी, हकीकत पर मबनी है इसमें किसी कस्म की यानी मसनवी या गलत नोट्स इसमें उसके स्टोरीज़ में उसने कोई गलत बात ऐसी नहीं बताई है जो हकीक़त से कोई हकीकत से दूर है तो ये थी यानी सैमोन की हालात ज़िंदगी के बारे में कुछ मालूम अब हम स्टोरी की इंट्रोडक्शन पर जाते हैं तो दिस इज़ ए टचिंग स्टोरी ऑफ ए पीजेंट लैड जरेसम कम्स टू मॉस्को टू फाइंड हिमसेल्फ ए पुलिस एंड विथ द इंफ्लुएंस ऑफ ए कंट्री मैन ऑफ हिज ए कोचमैन हु इज लिविंग विथ ए वेल्दी मर्चेंट ही हियर गेट्स द पोजिशन ऑफ assistant junior this place was formerly occupied by an old man it was the advice of his coachman that the merchant sent away the old man and in his place put the young lad the lad arrives in the evening to begin his work and in the yard hears the old man's complaints complaints in uh, in the servant's room, for having been discharged for no cause whatsoever, only to make room for the young fellow, the lad suddenly feels pity for the old man and is ashamed to have pushed him out. He reflects for a moment, waves, and finally decides to give up the place which he needs and which has. pleased him so much. Learn about this his humanity in this story. तो so, ये जो कहानी है ये दिल को छू जाने वाली कहानी है जरासिम एक किसान था वो मास्को आता है ताकि कोई नौकरी हासिल कर सके मास्को में इसका एक जानकार था यानी जिसको वो जानता था दोस्त था जिसकी मदद से वो नौकरी हासिल कर यानी कर सकता था वो आदमी एक अमीर इंसान के पास एक अमीर मर्चेंट के पास वो वहाँ पर बैसे कोचमैन की हैसीयत से काम करता था कोचमैन जहाँ पर काम करता था वहाँ एक बूढ़ा आदमी भी उसे से काम करता था जरासम और इसका दोस्त कुछ ऐसा करते हैं कि मालिक के आ, करते हैं कि मालिक बूढ़े यानी उस आदमी को नौकर को निकाल देता है और इसकी जगह जरासिम को काम पर लगाता रखता है जरासिम शाम को काम पर आता है बूढ़ा आदमी अपनी बीवी को बताता है कि इससे नौकरी से निकाला गया है और इसकी जगह एक नौजवान को रखा गया है जरोसम चुप कर ये सारी गुफ्तु सुनता है वह औरत अपने शौहर से पूछती है कि इसका क्या कसूर है और इसे क्यों नौकरी से निकाला गया है बूढ़ा आदमी फूट फूट कर रोने लगता है ये सब देख कर जरोसिम का दिल हिल जाता है इसे महसूस होता है कि इसने किसी की रोजी रोटी छीन ली है इसका ज़मीर इसे मलमत करता है वो फैसला करता है कि वो ऐसी नौकरी नहीं करेगा जिससे इसकी यानी जिससे उस एक उस बूढ़े आदमी के साथ नाइंसाफ़ी हो इसलिए वो नौकरी छोड़ देता है तो इस कहानी में हम उस लैड यानि उस ज़मींदार लड़के यानि जरसम की उसकी इंसानियत यानी इस स्टोरी में यानी इसके बारे में हमें हम आगे पढ़ते हैं कि यानी वी विल लर्न अबाउट हिज ह्यूमैनिटी इन दिस स्टोरी यानी उसकी इंसानियत के बारे में इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे तो अब पैरा नंबर वन पर आइए तो यहाँ से हम शुरू करते हैं इस स्टोरी को आ, Jerosim returned to Moscow just a time when it was hardest to find work a short while before Christmas when a man sticks even to a poor job in expectation of a present for three weeks the peasant lad had been going about in vain seeking a position. Yani जो जरासिम वो आ, उस वक्त लौट कर मासो मास्को आता है जब यहाँ काम ढूँढना मुश्किल था क्रिसमस से कुछ ही दिन पहले जब कोई आदमी बहुत ही कम तनख्वाह वाली नौकरी से भी चप यानी चपका रहता है यानी कम तनख्वाह वाली नौकरी पर वो यानि एतफा करता है इस उम्मीद के साथ कि उसे कोई तोहफ़ा मिलेगा वो किसान लड़का तीन हफ़्तों से कोई नौकरी ढूंढने के लिए बेकारी बेकार ही इधर उधर घूमता रह रहा था यानी जो भी मास्को शहर में आता था उन दिनों हर जगह यानी जहाँ पर भी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ वो बिल्कुल कहीं पर भी मौजूद यानी खाली नहीं थी यहाँ यानी किसी मर्चेंट के पास या किसी के घर में या किसी ब्योपार के पास कोई भी जगह उन दिनों खाली नहीं थी हर एक ये कोशिश करता था कि एक एक यानी कम तनख्वाह पर अगर उससे नौकरी मिल जाए तो उसके लिए वो अच्छा है क्योंकि जरासीम गाँव से वापस मास्को जब आता है तो और वो मतलब नौकरी ढूंढते ढूंढते यानी उसको कहीं पर भी नौकरी हासिल नहीं होती थी, थी तो वो बेकार इधर उधर घूमता रहता था ही स्टेड विथ रोलेटिवज़ एंड फ्रेंड्स फ्राम हिज विलेज एंड ऑल दो ही हैड नॉट यट सफर्ड ग्रेट वांट इट इट हिम दैट ही ए स्ट्रॉन्ग यंग मैन शुड गो विथ आउट वर्क Jurasim had lived in Moscow from early boyhood. When still a mere child, he had gone to work in a brewery as a bottle washer and later as a lower servant in a house. In the last two years, he had been in a merchant's employ and would still have held that position had he not been. सोमनड बैक टू हिज़ वेज फॉर मिलटरी ड्यूटी हाउ एवर ही हैड नाट बीन ड्रैफ्टड यानि जरासीम उस दौरान रिश्तेदारों और अपने गाँव से आए हुए दोस्तों के साथ रहा यानि रहा करता था और अगरचि उससे अभी पैसों की कमी ज़्यादा महसूस नहीं होती हुई थी इस बात से उसके दिल को ठेस पहुंचती थी कि उस जैसे हटे कटे नौजवान को नौकरी न मिल पा रही थी जरिम अपने लड़कपन के शुरू से ही मास्को में रह, रहता आया था जब अभी वो सिर्फ़ एक बच्चा ही था यानी वो बचपन से ही मास्को में रहा करता था वो एक शराब के कारखाने में बोतलें बांधने बोतलें धोने का काम करने लगा और बैद में एक सौदागर के घर में एक मामूली नौकर की हैसियत से पिछले दो सालों से नौकरी कर रहा था और अब भी उसी नौकरी पर लगा होता अगर उसे मिलिट्री ड्यूटी के लिए वापस उसके गाँव न बुलाया गया होता लेकिन उसे फ़ौज में बरती के काबिल न समझा गया यानी वो बचपन से ही मास्को में पहले एक शराब के कारखाने में काम करता था यानी बोतले दोने का काम करता था यानी इसके बाद वो एक सौदागर के घर में एक सौदागर के पास वो एक मामूली सी नौकरी यानी तनख्वाह पर एक मामूली नौकरी करता था लेकिन अगर उसको यानी गाँव वापस नहीं बुलाया जाता यानी मिलिट्री ड्यूटी पर के लिए तो वो वहीं पर अभी भी काम करता हो होगा लेकिन वो गाँव जाने के बाद फिर उसको उस मिलिट्री ड्यूटी के काबिल नहीं समझा गया तो इस तरह से वो बेकार हो गया बेरोज़गार हो गया और वो वापस मास्को चला आया उस यानी काम की तलाश में ही सीम डल टू हिम इन village. ही वॉज not यूज़ टू to... the country life so he decided he would rather count the stones in moscow than sit here every minute it was getting to be more and more irksome for him to be tramping tramping the streets in idleness idleness not a stone did he leave unturned in his efforts to secure any sort of work he plagued all of his acquaintances. He even held up people on the streets and asked them if they knew of knew of a situation. All in vain. Finally, Jerusalem could not no longer bear being a burden on his people. Some of them were annoyed by his coming to them, and others had suffered unpleasant from their. मास्टर्स ऑन हिज एंट ही वॉज़ ऑल टूगेदर एट ए लॉस वट टू डू समाइम्स ही वुड गो टू ही वुड गो ए होल डे विथ आवट ईटिंग यानि जरासिम गाओ में रहना उससे भी मज़ा यानि उसको गाँव में रहने में मज़ा नहीं आता था गांव की ज़िंदगी का वो आदि नहीं था क्योंकि उसने अपना अपने बचपन से ही वो शहर में यानी मास्को में में वो रहा करता था इसलिए उसको गांव की ज़िंदगी से यानी गांव की जिंदगी में उसको मज़ा नहीं आता था इसलिए उसने फैसला किया कि वहाँ रहने की बजाय मास्को में पत्थर गिरना यानी बेकार घूमना बेहतर होगा सड़कों पर इधर उधर बेकार भटकना उसके लिए हर पल ज़्यादा ही ज़्यादा परेशान कुन होता जा रहा था। किसी भी कसम का काम ढूंढने में उसने कोई कसर न छोड़ी उसने अपने सभी जान पहचान वालों को परेशान कर दिया वो गली में जा रहे लोगों को भी रोक लेता और उनसे पूछता कि क्या इन्हें नौकरी के लिए किसी खाली पड़ी जगह का इम था लेकिन ये सब करना बेकार ही रहा आखिर जरअसम अपने लोगों लोगों पर और ज़्यादा बोझ बनना बर्दाश्त न कर सका उनमें से कुछ उसके उनके पास आने पर यानी चिढ़ जाती थी और दूसरों को उसकी वजह से अपने मालिकों की नाराज़गी बर्दाश्त करनी पड़ती थी उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे कई बार पूरा दिन बिना खाए यानी वो भूखे रहता था यानी वो भूखा रहता था पूरा दिन कहीं दिनों यानी यानी वो नौकरी की तलाश करते करते ढूंढते ढूंढते जब उसको नौकरी कहीं नहीं मिल पाती तो कहीं यानी कभी कभी उसको यानी बगैर खाना ही दिन गुजारने पड़ती थी वन डे जरसम बी ठूक हिम टू ए फ्रेंड फ्रॉम हिज विलेज Who lived at the extreme outer edge of Moscow, next uh, near near uh, Sukhulink? The man was a coachman to a merchant by the name of Sheru, in whose service he had, in whose service he had been for many years. He had ingratiated himself with his master so that sheru trusted uh, him absolutely and gave every sign of holding him in high favor it was the man's glib tongue chiefly that had gained him the master's confidence he told on all the servants and sheru valued him for it Jerusalem. म द कोच मैन गेव हिज गेस्टर रिसेप्शन सर्वड हिम विथ टी एंड टू ईट एंड ऑस्कड हिम हाउ ही वॉज डूइंग तो एक दिन जरासिम उसके गाँव से आए हुए एक दोस्त के पास गया यानी जो उसके गाँव का ही एक आदमी था जो आ, उसका दोस्त भी था तो जरासीम उसके पास गया मॉस्को के बिल्कुल बाहरी किनारे पर सुकोलिंक के नज़दीक रहता था यानी एक जगह का नाम सुकोलिंक के नज़दीक वो रहता था उसका वो दोस्त वो आदमी शेरू नाम की एक सौदागर घर का कोच यानी कोचवान था यानी जिसकी नौकरी वो कई सालों से कर रहा था उसने अपने लिए अपने मालिक के दिल में जगह बना ली थी जिस वजह से शेरु उस पर पूरा भरोसा करने लगा था और हर तरह से पता चलता था कि वो उस पर मेहरबान है। खास तौर पर ये उस आदमी की चकनी जबान थी जिसकी वजह से यानी उसके दोस्त की चकनी जबान जिसकी वजह से वो अपने मालिक का भरोसेमंद बन गया था वो सभी नौकर नौकरों पर रोब डाला करता और शेरु इस बात के लिए इसको पूरी दाद देता जरसिम उसके पास गया और उससे दुआ सलाम की कोच कोचवान ने इसका मुनासिब खैर मुकदम किया उससे चाय पिलाई और कुछ खाने को दिया और उससे पूछा कि उसका हाल चाल कैसा था तो जब वो यानी अपने उस दोस्त यानी के पास जाता है जो उसके गांव का ही रहने वाला था यानी वो उसको वहाँ पर यानी उसका अच्छी तरह से ख़ैर मुकदम करता है और उससे चाय वग़ैरह पिलाता है इसके अलावा उससे उसका हाल चाल भी पूछता है तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं इसके आगे इंशाल्लाह कल की क्लास में पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस प्यारा से कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो मैंने यहाँ पर नोट किए हैं तो इन एक्सप्रेशंस की हम मीनिंग यहाँ पर पढ़ते हैं यानी ब्रेवरी ब्रेवरी प्लेस वायर भीर इज़ मेड टू ऑर्डर पीपल बाय लॉ टू जॉइन द आर्मड फोर्सेस यानी फौज में लाजमी भर्ती हाँ ए पुलिस वायर बिर इज यानी शराब शराब का शराब का कारखाना ड्रैफ्ट टो आर्डर पीपल टू ज्वाइन द आर्मड दर्मड यानी फौज में लाजमी भर्ती कंट्री लाइफ रूरल लाइफ यानी दिहा जन्गी काउुट द स्टूनज आवारा गर्दी करना या जिसको कहते हैं वेस्ट टाइम नि काउंट द स्टूनज वेस्ट टाइम आवारा गर्दी करना रिक्सम इनॉयिंगनि तकलीफ दे नाराज़गी पैदा करने वाला ट्रैप टो तो वॉक विथ हैवी स्टेप्स स्टेप स्टेप पाओ स्टेप से कुचलना या रोंदना प्लैग टो तो इरिटेट टो तो इॉय तंग करना नाराज करना इनिग्रीटेटिड टू मेक प्लेस इन वनज हॉट किसी के दिल में गर कर लेना कोच मैन ए परसन ड्राइव ए कोच आर कैरेज यानी गाड़ी या टांगा चलाने वाला या जिसको हम कहेंगे कोचवान ग्लिप स्पीकिंग इन एन ए प्रससेस वे बट विथ आउट ऑनेस्टी यानी गैर मुखलिस तो ये थी कुछ एक्सप्रेसनज़ जो आज इन पैराज से हमने यहाँ पर पढ़े हैं ये थी इनकी मीनिंग्स। तो इनशा कल की क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए खुदा हाफिज। बाक़ी व